स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने के बाद आज हम करते हैं कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2006 का. अ कार रन्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकंड्स फॉर एवरी सर्कुलर लैप. द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रेस्पेक्टिवली. सो पूरा एक सर्कुलर लैप कवर करने में 62.8 सेकंड्स लगते हैं. तो एक सर्कुलर लैप के बाद उसकी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों पूछा है आपसे. सो बच्चों देखो, इधर सर्कुलर ट्रैक अगर अपन देखें तो सर्कुलर ट्रैक ये है और रेडियस गिवन है आपको इसमें, रेडियस गिवन है 100 मीटर्स. अब सपोज करें पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है, सर्कुलर लैप पर घूमेगा और वापस कंटिन्यू करता हुआ ए पर आ गया. सो ए टू ए इसमें जो टाइम लग रहा है वो गिवन है 62.8 सेकंड्स, ये टाइम लगता है. सो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए टू ए के लिए? डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो. और डिस्टेंस अगर निकालें तो डिस्टेंस आता है इसका 2πr. सो आपसे दोनों चीज़ें पूछी है, एक तो एवरेज वेलोसिटी पूछी है. तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. नाउ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड के लिए क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2πr और टोटल टाइम गिवन है 62.8 सेकेंड्स. सो 2πr, आर कितना है? 100 है और 62.8 वैल्यू टाइम गिवन है. ठीक है, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है. 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 आएगा अपॉन 62.8 आएगा इनटू 100. तो 6.28 से 62.8 कैंसिल होगा 10 टाइम्स. सो 100 अपॉन 10, एवरेज स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड. सो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है और एवरेज स्पीड क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड. राइट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका जीरो एवरेज स्पीड है और 10 इसकी एवरेज स्पीड है और जीरो इसकी एवरेज वेलोसिटी है. तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसका. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट अ टाइम इन सेकेंड्स द डिस्टेंस एक्स इन मीटर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम जीरो. एक्स गिवन है 40 + 12t - t³. हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? सो पार्टिकल रेस्ट से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट? सो रेस्ट में आने के लिए आपको पता है इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी जीरो होगी. और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बच्चों? आपको एक्स डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो एक्स का डिस्प्लेसमेंट, एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू ये वाली है, इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी. एक्स की वैल्यू पुट करते हैं. देखो एक्स की वैल्यू है 40 + 12t - t³. ये एक्स की वैल्यू और इसको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं. सो 40 का डिफरेंशिएशन 0, 12t का 12 और t³ का -3t² होता है. सो वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई आपको. वेलोसिटी इक्वल्स टू हो गया 12 - 3t², ये वेलोसिटी है. अब ये बोल रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अगर रेस्ट पे आएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी. रेस्ट के लिए वेलोसिटी क्या रखेंगे? जीरो. सो यहां से आप 3t² की वैल्यू देखो, 3t² की वैल्यू आ जाएगी 12. 3 से 12 कैंसिल होगा 4 टाइम्स. सो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स, मतलब 2 सेकेंड बाद वो रुक जाएगा. तो 2 सेकेंड बाद वो रुक जाएगा. स्टार्टिंग इनिशियली क्या होता है? t = 0 होता है, स्टार्ट होता है 0 पर और 2 सेकेंड बाद वो रेस्ट में आ जाएगा, रुक जाएगा. राइट, सो t = 0 और t = 2 सेकेंड्स, मतलब टोटल जो मोशन का टाइम है वो 2 सेकेंड का है. तो t = 0 पर x निकालें. x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू ये है 40 + 12t - t³. तो x की वैल्यू निकालते हैं t 0 पर, तो t 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 40.
मीन्स इनिशियली पार्टिकल 40 मीटर पे था, 2 सेकेंड बाद वो रुक जाएगा, तो 2 सेकेंड रखकर हम x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू है 40 प्लस 12 टी प्लस 12 इंटू टी, टी की वैल्यू 2 रखनी है, माइनस टी क्यूब मीन्स 8, सो x की वैल्यू आ रही है यहां पर 40, 24 माइनस 8 16 मतलब 56, सो x की वैल्यू 56 हो गई। इनिशियली जीरो टाइम पर 40 मीटर पे था, आफ्टर 2 सेकेंड 56 मीटर पे आ गया। तो पूछा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, सो स्टार्ट होगा, स्टार्ट ओके जीरो टाइम पर, तो इनिशियली 40 पर था, 2 सेकेंड के लिए चला, 2 सेकेंड बाद वो रेस्ट पे आ गया, तो 2 सेकेंड बाद वो 40 से कितना चला गया 56 पर, तो 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 16 मीटर ट्रेवल किया, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 16। बच्चों गलत मत करना, यूँ आप सोचो 2 सेकेंड में 56 मीटर है तो 56 रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि 40 पर था, ऑलरेडी 40 पर था, 40 से स्टार्ट होकर वो 56 पे पहुंचा है, तो कवर डिस्टेंस क्या होगी 16 मीटर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, टू बॉडीज मास 1 केजी एंड 3 केजी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट्स 16 मीटर एंड 25 मीटर, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। दो डिफरेंट बॉडीज हैं, अलग अलग बॉडीज हैं, एक का मास 1 केजी एक का मास 3 केजी है, अलग अलग हाइट से ड्रॉप किया गया है इनको, एक को 16 मीटर से और एक को 25 मीटर से। अब आप देखो 16 मीटर की हाइट ये ले लेते हैं, 16 मीटर की हाइट ये है, इसकी हाइट 16 मीटर है और इस बॉडी को ड्रॉप किया है 25 मीटर हाइट से, तो इसकी हाइट 25 मीटर है, इसकी हाइट 16 मीटर है। फर्स्ट बॉडी का वेट 1 केजी है और सेकेंड बॉडी का वेट जो है वो 3 केजी है। अब बॉडी को जब फॉल कराते हैं, तो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है, जब कोई बॉडी फॉल होती है तो उसका जो टाइम आता है, टाइम के लिए जो रिलेशन है टी, वो होता है अंडर रूट 2h अपॉन जी। आप मोशन अंडर ग्रेविटी में आप सारी इक्वेशंस आपने पढ़ी, इक्वेशन ऑफ मोशन जितनी भी पढ़ी हैं, इसमें मास का कोई रोल नहीं है, मास या बॉडी का वेट का कोई रोल नहीं है, मास का हैवी बॉडी हो मास ज़्यादा हो या कम हो, फॉर ऑल बॉडीज एक्सेलरेशन जो ऑल बॉडीज पर लगता है वो क्या होता है जी होता है, चाहे बॉडी हल्की हो चाहे बॉडी भारी हो, चाहे कम मास की हो चाहे ज़्यादा मास की हो, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, तो टाइम डिपेंड करेगा, जी तो कॉन्स्टेंट हो गया, टाइम डिपेंड करेगा अंडर रूट एच पर, मतलब आप टाइम डिपेंड करेगा केवल आप उसको कितनी हाइट से गिराते हैं इस बात पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट बॉडी की हाइट है 16, सेकेंड बॉडी की हाइट है 25, दोनों की बॉडीज का जो टाइम है उनका रेशो निकालना है, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट H1 अपॉन H2। सो फर्स्ट बॉडी की हाइट है 16, सेकेंड की हाइट है 25, रख देते हैं, तो 16 अपॉन 25, सो T1 अपॉन T2 का रेशो आ जाएगा 4 अपॉन 5। सो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें आपके पास, वो है 4 अपॉन 5, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है 4th 4 अपॉन 5। क्लियर, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू and returns back to x with uniform speed vd, the average speed for this round trip। तो average speed के लिए हमने दो formula पढ़े हैं, average speed के लिए दो formula, एक तो पढ़ा हमने v1 plus v2 by 2 और दूसरा formula हमने पढ़ा v average का, वो था 2v1v2 upon v1 plus v2। अब आपको दोनों formula में से कौन सा formula कब लगाना है, देखो ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, जब v1 का टाइम t1 और v2 का टाइम t2 सेम हो, व्हेन टाइम सेम तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो, व्हेन डिस्टेंस सेम, v1 के लिए डिस्टेंस है सपोज करें x और v2 के लिए डिस्टेंस है सपोज करें y, तो x और y डिस्टेंस इक्वल होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब आप इस केस में देखो, कार मूव्स फ्रॉम x टू y डिस्टेंस, देन रिटर्न्स बैक टू x, मतलब जितना वो गया फर्स्ट डिस्टेंस होगी जाने की और रिटर्न जो आता है आने की डिस्टेंस दोनों सेम है, तो सेम डिस्टेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओगे
और यहाँ पर आपको स्पीड दे रखी है, v1 की वैल्यू है vu और v2 की वैल्यू है vd, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 फॉर्मूला करेक्ट हो गया सेकंड, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड है। क्लियर, इजी है। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ एट टाइम टी, एफ इक्वल्स टू एफ नॉट 1 - t अपॉन टी, वेयर एफ नॉट एंड टी आर कॉन्स्टेंट, द पार्टिकल्स वेलोसिटी, पार्टिकल्स वेलोसिटी, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, पार्टिकल वेलोसिटी इज व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तो आपसे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, तो वो तो हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां पर एफ से लिखा गया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, फॉर्मूला है एफ नॉट 1 - t अपॉन टी, तो ये एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, इसको जीरो पुट कर देते हैं, जीरो इक्वल्स टू एफ नॉट 1 - t अपॉन टी, दैट मीन्स ये जीरो हो जाएगा, डिवाइड हो गया जीरो, तो दैट मीन्स 1 = t अपॉन टी। सो कौन से टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, जब t = t होगा, तो t = t पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन तो जीरो होगा t = t पर, बट पूछा क्या है इसने, वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे निकालें, v = होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी आती है और वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन आता है। तो एफ की वैल्यू पुट करें, एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू एफ नॉट तो कॉन्स्टेंट है, और यहां पर अंदर अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 - t अपॉन टी का, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो v = एफ नॉट तो कॉन्स्टेंट हो गया, 1 का इंटीग्रेशन होगा टी, माइनस टी का इंटीग्रेशन होगा t² / 2, और ये वाला टी है अपने पास एक्स्ट्रा, ये वाली, ये किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आपको कब निकालनी, पार्टिकल वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो कब है, जब टी की वैल्यू क्या पुट कर दूं, कैपिटल टी, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है आपको, जब टी की वैल्यू क्या पुट कर दूं, कैपिटल टी, ये आ गया एफ नॉट, टी की वैल्यू क्या पुट कर दें, कैपिटल टी, माइनस कैपिटल t² / 2t, तो टी से टी कैंसिल होगा, तो t - t/2, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी t - t/2 क्या होगा, t/2, सो एफ नॉट t/2, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या आएगी, एफ नॉट t/2, सो करेक्ट ऑप्शन है इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन x ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t अलॉन्ग x-एक्सिस, x-एक्सिस बाय x = 9t² - t³, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, वॉट विल बी द पोजिशन ऑफ दिस वेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलॉन्ग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। सो इसमें आपसे पूछा है पोजिशन, मतलब x पूछा है, तो x की वैल्यू क्या गिवन है, x = गिवन है 9t² - t³। पोजिशन पूछा है व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड, जब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी उस टाइम उसकी पोजिशन क्या होगी, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो स्पीड निकालें, स्पीड क्या होगा, dx/dt से स्पीड निकल जाएगी, स्पीड के लिए आएगा 18t - 3t², तो टाइम के साथ डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, टाइम के साथ स्पीड भी वेरी कर रही है, बट मैक्सिमम स्पीड कब आएगी, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए हम एक्सेलरेशन पे जाते हैं, एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन होगा dv/dt, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू dv/dt, इसका फिर डिफरेंशिएशन करें, तो आएगा 18 - 2 आ गया जाएगा 6t, 18 - 6t। अब आप देखो एक्सेलेशन भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो एक्सेलेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो जैसे एक्सेलेशन 1 सेकेंड पे क्या होगा, अगर मैं t1 रखूं तो एक्सेलेशन होगा 12, टी में अगर 2 सेकेंड रखूंगा तो एक्सेलेशन हो जाएगा 6, तो एक्सेलेशन क्या हो रहा है यहाँ पर, वेरी कर रहा है। अब एक्सेलेशन वेरी कर रहा है, तब एक्सेलेशन जीरो होगा, एक्सेलेशन जीरो होगा
जिस टाइम पर एक्सेलेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप देखो 18 माइनस 60 है, जीरो होगा, जीरो के बाद आप देखो कि एक्सेलेशन क्या होगा, फिर नेगेटिव आने लगेगा। अगर अपन टाइम की वैल्यू थोड़ी और बड़ी रखेंगे, ज़्यादा टाइम रखते जाओगे तो एक्सेलेशन की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगी? स्पीड मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड के लिए एक ही वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। एक्सेलेशन बढ़कर क्या हो जाए? जीरो हो जाए एक बार, फिर नेगेटिव एक्सेलेशन वो स्पीड को घटाने लगता है। तो जीरो एक्सेलेशन तक उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, एक्सेलेशन होगा तो स्पीड बढ़ती रहेगी, एक्सेलेशन जीरो होता है स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, फिर एक्सेलेशन नेगेटिव हुआ स्पीड घटना शुरू कर देगी। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगी? जब ए जीरो होगा। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 18 माइनस 60 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से 60 इक्वल्स टू 18, तो टाइम आ गया जब एक्सेलेशन जीरो होगा वो है 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पर एक्सेलेशन तो जीरो होगा बट स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बट आपसे क्या पूछिए? व्हाट विल बी द पोजीशन? तो पोजीशन के लिए मतलब आपको एक्स निकालना है। तो एक्स निकालना है, कब निकालना है? 3 सेकेंड्स पे एक्स निकालना है। तो यहां पर 9, 3 सेकेंड पे एक्स निकालना है, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। सो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 9, 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 81 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 27, 3 × 3 × 3 × 27। सो 81 माइनस 27, आंसर आएगा इसका 54 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका थर्ड, 54 मीटर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सेलेशन 4/3 इन द 3rd सेकेंड। वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखो इक्वेशन देखो, पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट होगा तो यू क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट है, गिवन है 4/3 m/s². सबसे पहले आप डेटा लिख लें, जो डेटा गिवन है, यू जीरो है, स्टार्ट रेस्ट हो गया, एक्सेलेशन गिवन है। फिर आप देखो पूछा क्या है, वो लिखते हैं डिस्टेंस इन 3rd सेकेंड, मतलब एस थर्ड पूछा है आपसे, एस थर्ड पूछा है। अब आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? 3rd सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट, 3rd सेकेंड के लिए पूछा है डिस्प्लेसमेंट, 3 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड नहीं, ओनली 3rd सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो एस एन एथ का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब 4th इक्वेशन लगाएंगे, एस एन एथ इक्वल टू होता है यू प्लस ए बाई टू 2n-1। इजी है, एस थर्ड निकालना है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 4/3 है, तो 4/3 तो 4/6 हो जाएगा, 2 है तो, n की वैल्यू 3 है, 3 × 2 = 6 - 1 मीन्स 5 होगा, तो 5 × 4 = 20/6 मीन्स आपका आ गया 10/3। क्लियर? So, 3rd सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10/3 m, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 टू 20 व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस 135 m इन 3 सेकेंड्स, द वैल्यू ऑफ t इज। अब देखो आप सिंपल, सबसे पहले आप क्या करो, कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन है, इक्वेशन लगा सकते हैं, वेलोसिटी में चेंज देखो, u है 10, फाइनल वेलोसिटी है 20, दोनों मीटर पर सेकंड में, इजी है, डिस्प्लेसमेंट है आपका 135, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है और टाइम आपसे पूछा है। अब गिवन डेटा और जो पूछा है उसको देखकर आप बता सकते हो कौन सी इक्वेशन लगेगी। मैंने आपको 3 इक्वेशन बेसिक बताई, 4th इक्वेशन, 5th इक्वेशन बताई और 6th इक्वेशन बताई, तो आप यहां पर बता सकते हैं कौन सी इक्वेशन लगेगी। यहां पर लगेगी 6th इक्वेशन, जो एवरेज वेलोसिटी को लेकर लिखते हैं s = u + v/2 × t। s कितना हो गया बेटा? s हो गया आपका 135, u कितना है 10, 10 + 20/2 × t। तो 10 + 20 = 30, 30/2 = 15, तो t की वैल्यू आ गई 135 अपॉन, ये हो गया 15, डिवाइड कर दें तो 15 से डिवाइड कर दिए, तो 15 से 135 कैंसिल कर सकते हो, 9 सेकेंड्स आंसर आएगा इसका। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका सेकेंड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट. अब आपने ग्राफ के सेक्शन में पढ़ा है, ग्राफ के सेक्शन में, कि जब कर्व वेलोसिटी, जो यहां पर कर्व है, ग्राफ ऐसा क्या है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए वेलोसिटी निकालनी है, तो v इक्वल्स टू होता है dx बाई dt. अब जहां पर डिफरेंशिएशन है वहां पर स्लोप आता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप. और स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन होता तो हम इजीली निकाल लेते हैं, tan थीटा से स्लोप निकालते हैं. स्ट्रेट लाइन होता है तो स्लोप कांस्टेंट होता है, बट यहां पर क्या है, कर्व ग्राफ है. तो कर्व ग्राफ है देखो आप, तो a पर स्लोप निकालें, इस तरह से आएगा. b का स्लोप निकालो, इस तरह से आएगा, b का एंगल ये रहा. फिर आप c का स्लोप निकालो, c का स्लोप निकालो, ये इस तरह से आएगा. d का स्लोप निकालो, ये इस तरह से आएगा. तो सबसे ज्यादा एंगल आपको दिख रहा है किसमें होगा, c के लिए. सबसे ज्यादा एंगल c के लिए है, तो सबसे ज्यादा एंगल c के लिए होगा तो tan थीटा भी ज्यादा होगा, और tan थीटा भी ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगी. आपसे पूछा है द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जहां थीटा ज्यादा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज मूविंग अंडर अ कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन अप टू 20 सेकेंड्स. इफ इट मूव्स एस वन डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, एस टू डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, देन एस टू विल बी इक्वल टू. तो आप देखो बेटा, टोटल 20 सेकेंड्स का टाइम है. सपोज करें पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है ए से, यहां पे टाइम जीरो है, और पार्टिकल पहुंच गया पहले 10 सेकेंड्स के बाद, ये 10 सेकेंड्स पर बी पर पहुंच गया और फिर सी पर पहुंच गया. तो यहां पर टाइम हो गया 10 सेकेंड्स, टोटल टाइम यहां पे हो गया 20 सेकेंड्स. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब यू क्या होगा, जीरो होगा, यू जीरो है, ठीक है. अब S1 डिस्टेंस कौन सी है, फर्स्ट 10 सेकेंड्स की डिस्टेंस है S1, और नेक्स्ट 10 सेकेंड्स की डिस्टेंस है S2, राइट. तो U आपका जीरो यहां पर है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट मान लेते हैं, A कांस्टेंट एक्सेलेरेशन चलेगा, ठीक है. अब आप देखो बेटा, सबसे पहले हम यूज करें A टू B के लिए इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे A टू B के लिए, इक्वेशन करेंगे हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे. यू तो जीरो है, यू जीरो है, प्लस हाफ ए, ए कांस्टेंट ले लिया, और फर्स्ट टाइम है 10 सेकंड्स का, तो 10 का स्क्वायर आ गया 100. तो एस वन की जो वैल्यू आई वो है 50 ए, ये एस वन की वैल्यू है. अब मैंने आपको बताया था लास्ट मोशन वाले इक्वेशन वाले मोशन वाले लेक्चर में, कि ऑलवेज आप जो इक्वेशन यूज करोगे वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही यूज करोगे. आपके पास यहाँ तो ए टू बी है, बी टू सी है, मगर बी टू सी में आप यूज नहीं करोगे क्योंकि बी मिड पॉइंट आ गया. इक्वेशन यूज करने हैं ऑलवेज स्टार्टिंग से, तो आप यूज करोगे नेक्स्ट ए टू सी के लिए. पहले यूज कर लिया ए टू बी के लिए, अब यूज करेंगे ए टू सी के लिए. बी टू सी के लिए यूज नहीं करोगे क्योंकि बी पर यू जीरो नहीं है. अगर आप बी टू सी यूज करोगे तो पहले यू निकालो, राइट. तो ए टू सी के लिए यूज करते हैं. चलो सेकेंड इक्वेशन अगेन, ए पे तो यू तो जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर. अब ए टू सी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए टू सी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट एस वन प्लस एस टू इक्वल्स टू हाफ ए, और टोटल टाइम कितना है ए टू सी के लिए, 20 सेकेंड्स. तो 20 का स्क्वायर 400. तो एस वन प्लस एस टू कितना आ गया, एस वन प्लस एस टू आ गया 400 बाई 2 मीन्स 200 ए. 20 का स्क्वायर 400 और 400 बाई 2 200 ए. तो एस वन प्लस एस टू 200 ए है, और आपको पता है एस वन की वैल्यू कितनी है, 50 है. अब मैं एस वन की वैल्यू 50 है रख के एस टू निकालूं, तो एस टू की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, एस टू की वैल्यू कैसे आएगी, 200 ए 200 माइनस एस वन, तो माइनस एस वन कर देते हैं, और एस वन की वैल्यू कितनी है, 50 है. अब 200 में से 50 माइनस करोगे तो S2 कितना आएगा, S2 आ जाएगा 150 है. अब 150 है S1 का कितना टाइम से,
तो आप लिख सकते हैं S2 इक्वल्स टू 3S1, S2 इक्वल्स टू 3S1। सो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका थर्ड 3S1। इक्वेशन हमेशा ध्यान रखें, A से B लगाया आपने, पहले A टू B लगाया, देन फिर A टू C लगाया, B टू C नहीं लगानी है, इक्वेशन हमेशा स्टार्ट से लगानी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन स्ट्रेट रोड। अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड्स। इफ द बस इज अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटर, विथ वॉट स्पीड शुड द स्कूटर चेज द बस। अब आप देखो बस की पोजिशन, बस की पोजिशन स्कूटर की पोजिशन और बस की पोजिशन में 1 किलोमीटर का गैप है, मतलब 1000 मीटर का गैप है। अब स्कूटर क्या चाहता है, स्कूटर चाहता है कि बस को ओवरटेक करे, और बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो बस की जो स्पीड है VB लिख देता हूं, वो कितनी है 10 है। अब स्कूटर विश कर रहा है कि बस को कवर करना है 100 सेकेंड्स में, मतलब इसको 100 सेकेंड में बस को और स्कूटर को दोनों को साथ होना पड़ेगा। ये बस है और ये स्कूटर है, दोनों साथ आ जाएंगे कितने टाइम बाद, 100 सेकेंड्स बाद। ठीक है, तो स्कूटर की स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड शुड द स्कूटर चेज द बस। तो स्कूटर की स्पीड क्या होगी, तो स्कूटर की स्पीड हम ले लेते हैं Vs, राइट। अब उसको कितने सेकेंड्स में कवर करना है, 100 सेकेंड्स बाद जाके बस को चेज करना है, बस को कवर, बस को कैच करना है, पहले नहीं करना है। तो 100 सेकेंड्स बस को तो चलने दें, तो बस की जो डिस्टेंस होगी वो लिख देते हैं SB, S बस इन 100 सेकेंड्स। अब स्कूटर क्या करेगा, स्कूटर को 1000 मीटर तो पहले ही पीछे था, तो 1000 मीटर तो स्कूटर कवर करना ही है, प्लस इन 100 सेकेंड में बस कितना आगे गई वो भी कवर करना है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस आएगी ये हो जाएगी S स्कूटर। तो S डिस्प्लेसमेंट जो स्कूटर का है इक्वल्स टू 1000 मीटर जो ऑलरेडी पीछे था, प्लस जो बस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो भी उसको कवर करना है, राइट। तो ये हो गया 1000, तो ये है बस की स्पीड कितनी है 10, और बस को कितने सेकेंड्स के लिए चलाया जा रहा है 100 सेकेंड्स के लिए, तो ये 10,000 हो गया, 2000 हो गया। और बस की सॉरी स्कूटर की स्पीड आप Vs सपोज कर लिया आपने, और कितने टाइम के लिए चलना है स्कूटर को भी, तो 100 सेकेंड के लिए चलना है। जब बस 100 सेकेंड्स के लिए चल रही है तो स्कूटर को भी 100 सेकेंड्स में कवर करना है, राइट। सो ये हो गया 1000, 2000, और Vs की वैल्यू आ जाएगी 2000 अपॉन 100, दो जीरो कैंसिल हो गया, स्कूटर की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो स्कूटर की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकेंड। नाउ थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एपीएमटी प्री 2010 का क्वेश्चन है। x की वैल्यू गिवन है इसमें, पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू टी प्लस 5। x की वैल्यू गिवन है टी प्लस 5 पावर माइनस 1। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और डिस्टेंस, ये पूछा है। तो x अगर गिवन होता तो dx by dt से हम क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लें। x की पावर n का डिफिनेशन होता है माइनस 1 टी प्लस 5 पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 होगा। डिफिनेशन का फॉर्मूला आपको पता है, पावर माइनस 1 आगे लिखेंगे और पावर में से एक माइनस और कम कर देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन टी प्लस 5 का स्क्वायर, टी प्लस 5 का स्क्वायर, राइट। वेलोसिटी इक्वल्स टू टी प्लस 5 का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं यहां से तो मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले सकता हूं, तो अंडर रूट वेलोसिटी इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन टी प्लस 5, 1 अपॉन टी प्लस 5, ठीक है, अंडर रूट ले लिया मैंने। तो वेलोसिटी की वैल्यू, साइन को हम हटा दें, वेलोसिटी है, साइन वेलोसिटी में डायरेक्शन शो करता है, तो ये एक रिलेशन मिला कि 1 अपॉन टी प्लस 5 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी है। नेक्स्ट इसने पूछा था एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी,
ठीक है भाई। तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू थी ये, v की वैल्यू थी माइनस टी प्लस 5 पावर माइनस 2, ये v की वैल्यू थी। तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी x को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिल गई, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन मिलेगा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस 1, फिर ये माइनस 2, देन टी प्लस 5 पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन है। तो उसको मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन टी प्लस 5 का पावर 3, 2 अपॉन टी प्लस 5 पावर 3। सो 1 अपॉन टी प्लस 5 की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलेशन आप देखोगे तो एक्सेलेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी प्लस 5 पावर 3, एंड 1 अपॉन टी प्लस 5 इज अंडर रूट वेलोसिटी, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वेलोसिटी पावर 3, सो इज प्रोपोर्शनल टू वी पावर 3/2। अंडर रूट का मतलब क्या होगा, हाफ, 3 और हाफ, तो a प्रोपोर्शनल टू हो गया v पावर 3/2, सो वेलोसिटी पावर 3/2, ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाई राइज प्लेटफॉर्म t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर 6 seconds अनदर बॉल इज ड्रॉन thrown downwards from the same block platform with speed v. The two balls meet at 18 second. What is the value of v? अब आप क्वेश्चन देखो, एक बॉल ड्रॉप कर दी 0 टाइम पर रेस्ट से, आफ्टर 6 सेकेंड्स अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स विद सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v. मतलब पहली बॉल को तो ड्रॉप किया है और 6 सेकेंड्स बाद दूसरी बॉल को थ्रो किया है विद स्पीड v. राइट, सो द टू बॉल्स मीट एट 18 सेकेंड, दोनों बॉल्स कहां पर मीट करेंगी, 18 सेकेंड्स के बाद, सो द वैल्यू ऑफ v इज, अब आप देखो बच्चों v की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट बॉल ये है, फर्स्ट बॉल देखो, फर्स्ट बॉल ये वाली है और ये सेकेंड बॉल है, फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया है तो इसका u क्या होगा, 0 होगा, इसको ड्रॉप कर दिया, ये 6 सेकेंड लेट है, 6 सेकेंड बाद ये ड्रॉप करेंगे, तो फर्स्ट बॉल का टाइम ले लेते हैं हम 18 सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स बाद ये बॉल यहाँ आ गई और ये 6 सेकेंड लेट है बट इसको स्पीड से थ्रो किया है v से, तो ये भी बॉल यहाँ आ गई, दोनों मीट कर गई 18 सेकेंड बाद, बट ये 6 सेकेंड लेट है तो इसका जो टाइम होगा 18 माइनस 6, इसका टाइम होगा, टाइम ऑफ जर्नी होगा इसका 12 सेकेंड्स, तो ये 12 सेकेंड्स में यहाँ पहुँच जाएगी और ये 18 सेकेंड्स में पहुँचेगी, तो इसकी स्पीड क्या होगी पूछा है, तो दोनों के लिए डिस्टेंस या दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, सेम होगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड S1 इक्वल्स टू S2, यू जीरो है तो ये आएगा हाफ जी, सो S1 इक्वल्स टू हाफ जी टी वन स्क्वायर, और S2 बिकॉज S2 को तो आपने v स्पीड से थ्रो किया है, सो V T2 प्लस हाफ G T2 स्क्वायर, राइट, सो T1 मैंने आपको बताया 18 सेकेंड है बट T2 सेकेंड बॉडी 6 सेकेंड लेट ड्रॉप की है, सो इसका टाइम पीरियड होगा 12 सेकेंड्स, सो G की वैल्यू 10 भी गिवन है, सो 10/2 मीन्स 5, T1 स्क्वायर मीन्स 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू, V हमें फाइंड करना है, T2 की वैल्यू होगी 12 सेकेंड्स प्लस G/2 अगेन 5, T2 स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर, सो v फाइंड करना है, तो 12v इक्वल्स टू 5 में कॉमन ले लेता हूं, 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, राइट, सो यहां पर 12 into v इक्वल्स टू 5 into, यहां पर आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 180, सो v की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मिलेगी 75 मीटर पर सेकेंड, सो सर करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकेंड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंड एक्सेलरेशन 0.4i कैप प्लस 3j कैप,
इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स. तो स्पीड आपसे पूछा है, एक्स की एक्स डायरेक्शन की स्पीड गिवन है, वाई डायरेक्शन की स्पीड गिवन है. इनिशियल स्पीड एक्स का एक्सेलेरेशन गिवन है, वाई का एक्सेलेरेशन गिवन है. तो यहां पर इस केस में हम इक्वेशंस लगाएंगे एक्स पे अलग और वाई पे अलग. जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएं एक्स पर, तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी. सो वी एक्स हमें फाइंड करना है, यू एक्स गिवन है 3, ए एक्स गिवन है 0.4, और कितने टाइम बाद फाइंड करना है, 10 सेकेंड्स बाद. सो वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7. सिमिलर वी वाई निकालें, तो वी वाई इक्वल्स टू होगा यू वाई प्लस ए वाई टी. वी वाई की वैल्यू, यू वाई की वैल्यू गिवन है 4, और ए वाई की गिवन है वैल्यू 0.3 इंटू 10 सेकेंड्स बाद निकालना है. सो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी 7. ये भी 7 है, ये भी 7 है. अब आप देखो पार्टिकल की जो वेलोसिटी, बिकॉज पार्टिकल एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे साथ चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. सो वी एक्स की वैल्यू है 7, आई कैप प्लस वी वाई की वैल्यू भी है 7, जे कैप. सो इट इज वेलोसिटी. बट इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा है स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स. तो वेलोसिटी पूछा होता तो आप ये लिख देते हैं, बट स्पीड पूछा है. स्पीड मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 आप कॉमन ले लेंगे, अंदर रहेगा अंडर रूट 2. सो स्पीड फाइनल जो मिली आपको 10 सेकेंड बाद, दैट विल बी 7√2 यूनिट्स. तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, AIPMT प्री 2011 का. अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाई 20 मीटर ड्रॉप्स अ स्टोन. एज्यूमिंग जी इक्वल्स टू 10, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड. अब ग्राउंड पे जो स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी आपसे पूछी है. सो पार्टिकल है 20 मीटर हाइट पर है, हाइट ऑफ द टावर कितना है 20 मीटर, और ग्राउंड आप यहां सपोज कर लो ग्राउंड ये है. सो बॉडी स्ट्राइक करेगी, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी है वी. सो ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछा है वी. हाइट गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, और जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है. तो ये केस आपने पढ़ा, मोशन ग्रेविटी का फर्स्ट केस है, बॉडी ड्रॉप कर दिया. तो यहां पर आपको पता है थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू, बिकॉज 0 है तो 2gh. सो v की वैल्यू होगी अंडर रूट 2gh. v की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2gh. हाइट गिवन है, वेलोसिटी फाइनल पूछी है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी. हाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 2g मींस 20, हाइट भी कितना है 20. सो v फाइनल स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट. आफ्टर 10 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ. द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज. सो एक्सेलरेशन आपसे पूछा है इसमें. आप देखो v1 वेलोसिटी, v1 जो बॉडी की फर्स्ट वेलोसिटी होगी v1, उसकी वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट. तो ईस्ट के लिए हम आई कैप यूज करेंगे, ईस्ट के लिए आई कैप, नॉर्थ के लिए जे कैप हम यूज करते हैं. तो डायरेक्शन के लिए आपको पता है ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई. तो एक्स के लिए आई कैप यूज करते हैं, माइनस एक्स के लिए माइनस आई कैप, वाई के लिए जे कैप यूज करते हैं, और माइनस वाई के लिए माइनस जे कैप, राइट. सो वेलोसिटी फर्स्ट गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट. 10 सेकेंड बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 40 जे कैप, बिकॉज नॉर्थ में है. नाउ पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन. सो एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो चेंज इन वेलोसिटी होगा v2 माइनस v1, वेलोसिटी में चेंज और टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स. सो एवरेज एक्सेलेशन हम फाइंड कर सकते हैं इजीली. एवरेज एक्सेलेशन v2 की वैल्यू कितनी है 40 j कैप माइनस 30 i कैप.
अपॉन टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स। सो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। ये एवरेज एक्सेलेरेशन वेक्टर फॉर्म में है, एवरेज एक्सेलेरेशन का वेक्टर फॉर्म है। बट आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपको वेक्टर फॉर्म नहीं पूछा है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू पूछी है। सो एवरेज एक्सेलेरेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 अंडर रूट हो जाएगा 25 और 25 का अंडर रूट होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 4th। अगर इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन भी पूछी जाती कि एक्सेलेरेशन डायरेक्शन के साथ लिखो, तो डायरेक्शन आप देख सकते हो जे कैप माइनस आई कैप आ रहा है। जे कैप होता है नॉर्थ, माइनस आई कैप होगा वेस्ट, तो डायरेक्शन होती है इसकी नॉर्थ वेस्ट। आपको ऐसे भी न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसमें डायरेक्शन एक में साउथ वेस्ट दे रखी है, एक में साउथ ईस्ट दे रखा है, जो भी आपको डायरेक्शन दे रखी है। बिकॉज एक्सेलेरेशन में आया जे कैप माइनस आई कैप, तो जे कैप का नॉर्थ और माइनस आई कैप का वेस्ट, तो इससे हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड वी वन एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद वी टू, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी। तो आपको पता है देखो, एवरेज स्पीड के मैंने आपको पहले बताया दो फॉर्मूले हैं, वी वन प्लस वी टू बाई टू एंड टू वी वन वी टू बाई टू, टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब टाइम सेम होगा। और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब डिस्टेंस सेम होगी, x1 और x2 इक्वल होगा। सो आप देखो, हाफ डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का, हाफ डिस्टेंस v1 से, रेस्ट हाफ डिस्टेंस v2 से, तो डिस्टेंस इक्वल है, तो ये ऑप्शन होता है इसका। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इक्वल्स टू 8 प्लस 12t माइनस t क्यूब, वेयर x इन मीटर t इन सेकंड, रिटार्डेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। अब आप देखो बेटा, x इक्वेशन गिवन है, x गिवन होता है, x की वैल्यू गिवन है 8 प्लस 12t माइनस t क्यूब। सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी आएगा dx by dt से, उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। 8 का डिफरेंशिएशन होगा 0, 12t का हो गया 12 माइनस 3t स्क्वायर, राइट। सो वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये हो गई वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हम a फाइंड कर सकते हैं, a होता है db by dt। अब v की वैल्यू देखो क्या है, 12 माइनस 3t स्क्वायर, सो 12 का डिफरेंशिएशन तो 0, माइनस 3 टी स्क्वायर का हो गया 2t, तो एक्सेलेशन आ गया माइनस 6t। एक्सेलेशन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6t। अब एक्सेलेशन भी मिल गया, वेलोसिटी भी मिल गई, बट आपसे पूछा है एक्सेलेशन मीन्स रिटार्डेशन पूछा है, आप देखो माइनस आ रहा है, मीन्स रिटार्डेशन पूछा है। व्हेन पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, अब वेलोसिटी जब जीरो होगी उस टाइम पर रिटार्डेशन क्या होगा पूछा है। सो वेलोसिटी कब जीरो होगी, ये यहां पर हम वेलोसिटी को जीरो रखकर, इसमें वी को जीरो रखकर आप टाइम निकाल सकते हो। वेलोसिटी को जीरो पुट करते हैं, आप टाइम निकाल सकते हो कब वेलोसिटी, किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये आ गया 12 इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, सो टी की वैल्यू आ गई, 3 से कैंसिल होगा 12 4 टाइम्स, सो टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स। सो 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। आप 2 सेकेंड रख के देखो, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 जीरो, तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और एक्सेलेरेशन आपसे उसी टाइम पर पूछा है, मींस एक्सेलेरेशन फाइंड करो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर, तो ये होगा माइनस 6 इंटू 2, दैट मीन्स माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो रिटार्डेशन आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका सेकेंड। नाउ नेक्स्ट, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, अब सेम क्वेश्चन किया था, सेम वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स पूछा है अगेन, तो यहां पर अगेन आप जैसा अभी आपने किया था वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ 2012 में, vx की वैल्यू ux प्लस axt होती है, राइट, और vy की वैल्यू uy प्लस ayt होती है, राइट। सो ux तो है 2,
और ए एक्स की वैल्यू 0.3 है, 0.3 × 10 मीन्स ये हो गया 3 + 2 = 5। यू वाई की वैल्यू है 3 और ए वाई की वैल्यू है 0.2, अगेन 10 सेकेंड बाद पूछा है इसलिए ये भी हो गया 5। सो वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। सो वी एक्स मीन्स 5i कैप, वी वाई भी हो गया 5j कैप। तो ये वेलोसिटी आपने निकाल दी, ये वेलोसिटी है। अब इसमें वेलोसिटी पूछा है, लास्ट वाले में स्पीड पूछा था, बट वेलोसिटी की आप देखो वैल्यू पूछी है, डायरेक्शन तो पूछी नहीं है। तो वेलोसिटी की वैल्यू मीन्स इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 कॉमन ले लें, अंडर रूट 2। सो 5√2 यूनिट इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ सर्टेन मोमेंटम p। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम विल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज। तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगा देखो, सपोज करें एक बॉडी को आपने ड्रॉप किया एच हाइट से, तो ग्राउंड पे पहुंचती है बॉडी, ये ग्राउंड ले लेते हैं, तो ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है वेलोसिटी, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी आपको पता है, ये फर्स्ट बॉडी है, वी वन की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2gh, ये वी वन की वैल्यू है, ठीक है। तो ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड जीरो होगी, इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी जीरो है इसलिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पे बोला है ड्रॉप फ्रॉम हाइट ग्राउंड हिट द ग्राउंड विद सर्टेन मोमेंटम पी, तो इसका मोमेंटम फाइनल निकालें पी, वो आएगा मास इनटू वेलोसिटी वी वन, ये आएगा इसका मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा एम इनटू अंडर रूट 2gh, ये है पी, राइट। अब उसी स्टोन को, सेम स्टोन को 100% मोर हाइट से, मींस अब आप देखो सेकेंड स्टोन जो ड्रॉप कर रहे हैं वो 2h हाइट से करेंगे, सेकेंड स्टोन है, अब इसकी हाइट जो होगी वो 2h होगी 100% ज्यादा, तो हाइट की वैल्यू 2 होगी, तो अब जो मोमेंटम आएगा पी डैश, ये आएगा एम इंटू अंडर रूट 2g, पहले हाइट h थी अब हाइट 2h हो जाएगी, नेक्स्ट हाइट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी 2h, 100% मोर है तो 2h हो जाएगी। सो पी डैश की वैल्यू अगर हम देखें तो अंडर रूट 2 को छोड़कर बाकी वैल्यू ये वाली आएगी पी की वैल्यू क्या है, एम अंडर रूट 2gh, तो एम अंडर रूट 2gh, तो ये आ जाएगा अंडर रूट पी। सो न्यू मोमेंट में पी डैश विच इज इक्वल टू रूट 2p। सो अगर एच हाइट से गिराते हो तो पी, और 100% ज्यादा हाइट से गिराओगे तो रूट 2p, तो मोमेंटम क्या हो गया रूट 2p मतलब हो गया 1.414p। सो पहले मोमेंटम p था, अब कितना आ गया 1.414p, सो p डैश को हम लिख सकते हैं p plus 0.41p। तो आप समझ सकते हैं मोमेंटम में कितना चेंज आया, इसने पूछा है व्हेन अगेन 100% हाइट से गिराओगे व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड द मोमेंटम विल चेंज बाय, तो चेंज कितना आया 0.41p means 41%, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 4th। नाउ नेक्स्ट, अ स्टोन फॉल्स अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 seconds, द नेक्स्ट 5 seconds एंड द नेक्स्ट 5 seconds respectively. टोटल 5 seconds का आपको h1, h2, h3 गिवन है. द रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड h3 इज, तो आपसे रिलेशन पूछा है इसमें, तो ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं, यहां पर देखो बॉडी को ड्रॉ किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जीरो, फर्स्ट 5 सेकेंड्स में ट्रेवल कर रहा है h1, यहां तक सपोज कर लेते हैं, यहां पे टाइम क्या हो गया 5 सेकेंड्स,
फिर एक और टाइम ले लेते हैं, यहाँ पर टाइम होगा 10 सेकेंड्स, और एक और टाइम ले लेते हैं, यहाँ पर टाइम हो गया 15 सेकेंड्स. सो एच वन इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, एच टू इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, एच थ्री इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, तो टोटल तो जाएगा 15 सेकेंड्स, राइट. और यहां से टाइम स्टार्ट होता है 0. सो ड्रॉपिंग वाले केस में अगर अपन हाइट की बात करें तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, s, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो आपका 0 है, तो मीन्स s इक्वल्स टू होगा हाफ जी टी स्क्वायर, राइट. अब मैं यहां पर अलग अलग मेंशन कर देता हूं केस, यहां पे a है, फिर ये b है, फिर ये c है, और ये d है, राइट. तो सबसे पहले हम ए बी केस की बात करेंगे, ए टू बी. तो सबसे पहले हम ए टू बी बात करें तो s की जगह आ जाएगा h1 हाफ g, और फर्स्ट 5 सेकेंड्स लगा तो 5 का स्क्वायर 25, राइट. सो h1 की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू जी बाई टू, जी बाई टू सब में कॉमन आएगा इसलिए कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसको जी बाई टू रहने देते हैं. तो h1 की वैल्यू आ गई 25 जी बाई टू. अब मैंने आपको कहा था इक्वेशंस कहां से स्टार्ट करनी है, हमेशा इक्वेशंस लगाओगे, मोशन की इक्वेशन लगाओगे स्टार्टिंग पॉइंट से. अब b टू c नहीं लगाना है, अब आप लगाओगे a टू c, a टू c. तो a टू c टोटल हाइट क्या होगी, h1 प्लस h2, इक्वेशन ये लगा रहे हैं सेकेंड. s क्या होगा, h1 प्लस h2, और टाइम क्या होगा a टू c के लिए, टाइम हो जाएगा 5 प्लस 5 10 सेकेंड्स, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100. तो h1 प्लस h2 आया 100 g by 2, और h1 की वैल्यू है 25 g by 2, तो यहां से h2 निकाल सकते हैं हम, h2 की वैल्यू आएगी 100 g by 2 माइनस 25 g by 2. सो h2 की वैल्यू मिलेगी आपको 75 g by 2, ये h2 की वैल्यू आ गई, ठीक है. अब आप आ जाओ, h1 आ गया, h2 आ गया, अब हमें h3 निकालना है. h3 के लिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन, अगेन a से, तो a टू d आ जाएंगे, a टू c हो गया, अब a टू d, a टू d टोटल टाइम कितना हुआ 15 सेकेंड्स. तो आप देखो वापस ये इक्वेशन लगाए, तो a टू d के लिए टोटल हाइट हो जाएगी h1 प्लस h2 प्लस h3 इक्वल्स टू हाफ g, हाफ g. तो a टू d के लिए टाइम कितना है 15 सेकेंड्स, तो 15 का स्क्वायर 225. अब आपको यहां से h3 निकालना है, तो h3 की वैल्यू आ जाएगी 225 g by 2 माइनस h1 प्लस h2 की वैल्यू थी ना आपके पास, ये रही h1 प्लस h2 की वैल्यू कितनी है 100 g by 2, तो h3 माइनस h1 प्लस h2 मींस 100 g by 2, राइट. सो h3 की वैल्यू आ जाएगी 225 माइनस 100 125 g by 2, S3 की वैल्यू आ गई. तो आपने तीनों फर्स्ट 5 सेकेंड्स का H1 है वो कितना है 25 G by 2, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स का H2 है वो है 75 G by 2, और नेक्स्ट 5 सेकेंड्स का S3 है वो है 125 G by 2. तो हम रेशो अगर निकालें तो H1 H2 S3 रेशो निकालें, तो ये 25 G by 2 है, ये 75 है, ये 125 है, 25 G by 2 तो कैंसिल हो जाएगा. अब आप देखो सिंपल रेशियो निकाल सकते हैं, जी बाई टू जी बाई टू जी बाई टू कैंसिल हो गया, तो एच वन की वैल्यू 25, फिर 75, फिर आया 125. इसको भी हम ट्रू 25 से डिवाइड करें और सिंपल कर सकते हैं, और सिंपल करें तो इसका जो रेशियो आएगा 1, 3, 5. तो एच वन एच टू एस थ्री का रेशियो आ गया 1, 3, 5. तो एच वन एच टू एस थ्री का रेशियो आ गया 1, 3, 5. अब आप ऑप्शन देखें इसके, आपने देखा H1, H2, S3 का जो रेशो आया वो है 1, 3, 5, राइट. तो आप देखो पहले फर्स्ट ऑप्शन में तो H1, H2, S3 तीनों दे रखे हैं, रॉन्ग ऑप्शन है. H1 इक्वल्स टू 2S2 ये इस तरह से दे रखा है आपको, देखो. अब हम क्या करें, यहाँ पर रेशो आपको चाहिए, तो आप देखो यहाँ पर H2 कह सकते हो, H2 इक्वल्स टू क्या होगा 3H1, और H5 सॉरी S3 इक्वल्स टू क्या होगा 5H1.
तो इस तरह का रेशियो आप देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, वो है सेकंड ऑप्शन H1, H2 क्या होगा, 3 times, H2 3 times है, H3 5 times है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट्स XYR 2 and 3 meters एट t इक्वल टू 0, 6-7 meters एट t इक्वल टू 2 seconds एंड 13-14 meters एट t इक्वल टू 5 seconds। सो द एवरेज वेलोसिटी 0 to 5 seconds, एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा है इसमें। सो आप देखो बेटा इसमें जीरो टाइम पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, t इक्वल टू 0 पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, 3 हैं, और 5 seconds बाद जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 13, 14 meters, राइट। सो t इक्वल टू 0 पर, ये बीच में 2 seconds पर भी दे रखा है बट ये टोटल 5 seconds के लिए पूछा है, तो t इक्वल टू 5 seconds पर ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, राइट। सो आप देखो इसमें बेटा डिस्टेंस की अगर बात करें, आपसे पूछा है इसमें एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें एक्स कोऑर्डिनेट की, तो 2 से 13 गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस 3 मीटर से 14 मीटर तक चला गया, तो y2 होगा 14, y1 होगा 3, तो y2 माइनस y1 जे कैप, और टोटल टाइम जो टाइम लगा वो है 5 seconds, क्योंकि टोटल 5 seconds के लिए पूछा है आपसे। सो एवरेज वेलोसिटी हम यहां से निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में निकालनी है। सो x2 हो गया 13, x1 हो गया 2, सो 13 माइनस 2 आई कैप प्लस y2 हो गया 14, y1 हो गया 3, तो 14 माइनस 3 जे कैप अपॉन 5। सो 13 माइनस 2 मीन्स 11 आई कैप प्लस 14 माइनस 3 मीन्स 11 जे कैप अपॉन 5, तो ये एवरेज वेलोसिटी है। सो आप देख सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा 11/5 आई कैप प्लस जे कैप, करेक्ट ऑप्शन है 4th इसका। नाउ नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज 1-dimensional मोशन, वेलोसिटी गिवन है वी बी एक्स पावर माइनस 2n, बीटा एक्स की पावर माइनस 2n, बीटा इन आर द कॉन्स्टेंट्स, एक्स इज द पोजिशन, द एक्सेलेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। अब यहां पर आपसे एक्सेलेशन पूछा है, एक्सेलेशन बीटा की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में, बीटा की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में एक्सेलेशन पूछा है। अब एक्स यहां पर वेलोसिटी गिवन है और वो एक्स की फॉर्म में गिवन है, वैसे हमें पता है एक्सेलेशन इक्वल्स टू क्या होता है, डीवी बाई डीटी, और यहां पर वी गिवन है बट ये वी किस टर्म्स में है, एक्स की टर्म्स में है, तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, देखो सो वी गिवन है, वी इक्वल्स टू है बीटा एक्स पावर माइनस 2n। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए a, a इक्वल्स टू होता है डीवी बाई डी टी, बट v किस टर्म्स में, x की टर्म्स में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं डीवी अपॉन dx, बिकॉज x की फॉर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं dx से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जो डी टी था मैंने यहां पर लिख दिया, राइट। ऐसे हम वेरिएशन चेंज कर सकते हैं बिकॉज टाइम को हटाना है, तो टाइम को हटाने के लिए मैंने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और जो डिवाइड किया वो तो डिफरेंशिएशन में काम आ जाएगा, और dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। सो एक्सेलेशन इक्वल्स टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू dv by dx, यहां से हम एक्सेलेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है आपके पास, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, बीटा x की पावर माइनस 2n, और इसी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन भी करना x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, बीटा माइनस 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन कर दिया, तो अब इनको एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप देखो मल्टीप्लाई करें, तो माइनस 2n बीटा स्क्वायर x की पावर, अब x की पावर बेस कॉमन ले लिया, माइनस 2n है, यहां भी माइनस 2n है, तो माइनस 4n और यहां पर माइनस 1 है, ये एक्सेलेशन की वैल्यू आई। तो ऑप्शन चेक करें बेटा, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 4n माइनस 1, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू 80 प्लस bt स्क्वायर, a एंड b आर कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 एंड 2 सेकंड्स, 1 से 2 सेकंड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v गिवन है. सो आपको पता है v गिवन है तो x कैसे निकालते हैं, x इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपसे बोला है 1 से 2 सेकंड्स के लिए, 1 से 2 तो लिमिट्स लगा देंगे 1 से 2. अब v की वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है हमारे पास 80 प्लस बी टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और 1 से 2 सेकेंड्स, राइट. सो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 80 का इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, और बी टी स्क्वायर का क्या होगा, टी क्यूब बाई 3, और लिमिट्स हम लगा देंगे 1 से 2. ये x की वैल्यू हमें मिलेगी, x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, सॉल्व करते हैं. देखो x इक्वल्स टू क्या होगा, a t स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट क्या है 2 है, a अपर लिमिट क्या है 2 है, तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो 1 बाई 2 प्लस b, b और 3 भी आपने कॉमन ले लिया, b अपॉन 3, यहां पे t क्यूब है, t क्यूब अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम. सो यहां से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2 माइनस हाफ a, 2 माइनस हाफ मीन्स 3 बाई 2 प्लस b अपॉन 3, और 2 पावर 3 मीन्स 8 माइनस 1, तो ये 7 हुआ, तो 7 b बाई 3 इंटू 3 a बाई 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका थर्ड. देखो 3 बाई 2 a प्लस 7 बाई 3 b, करेक्ट ऑप्शन है थर्ड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू कार्स p एंड q स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन, देयर पोजिशंस आर रिस्पेक्टेड xp, मतलब p कार की पोजिशन है और q कार की पोजिशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, राइट. एट वॉट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी, सो कार की वेलोसिटी सेम कब होगी आपको निकालना है इसमें, ठीक है. तो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, जब आपको x दे रखा हो तो वेलोसिटी ऑफ कार p इक्वल्स टू डी एक्स पी अपॉन डी टी, सो डी एक्स पी अपॉन डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा, ये है 80 प्लस बी टी स्क्वायर, 80 प्लस बी टी स्क्वायर, अच्छा यहां पर एफ टी माइनस टी स्क्वायर है, एफ टी माइनस टी स्क्वायर, सो टी का 1 होता है और a प्लस 2 बी टी आ जाएगा, टी स्क्वायर का क्या होगा 2 टी, तो ये किसकी वेलोसिटी आ गई, p कार की वेलोसिटी. सिमिलर हम q कार की वेलोसिटी निकाल सकते हैं डी एक्स क्यू बाई डी टी से, डी एक्स क्यू बाई डी टी से q कार की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और q कार के लिए दे रखा है एफ टी माइनस टी स्क्वायर, सो एफ माइनस 2 टी, ये कार की वेलोसिटी आ गई q की. Now, अब पूछा क्या है, एट वॉट टाइम डू द कार हैव सेम वेलोसिटी, तो सेम वेलोसिटी के लिए क्या आएगा, vp इक्वल्स टू vq, दोनों कार की वेलोसिटी को सेम रख देते हैं, a प्लस 2 bt, ये p कार की वेलोसिटी है, इक्वल्स टू f माइनस 2 t, f माइनस 2 t, ये q कार की वेलोसिटी. सो यहाँ पर टाइम आपको चाहिए, तो 2 bt, टाइम माइनस 2 t इधर ले आते हैं, प्लस 2 t हो गया, और a को उधर ले जाते हैं, तो f माइनस a हो गया. यहां से t आपको कैलकुलेट करना है, तो t कॉमन ले लें, तो आ जाएगा f माइनस a अपॉन, यहां पे है 2b और ये 2, तो 2b प्लस 2 आ गया, राइट. सो आप देखो करेक्ट ऑप्शन इसका f माइनस a और 2b प्लस 2, तो f माइनस a 2b प्लस 2, 2b प्लस 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लें इसमें से, f माइनस a 2 कॉमन ले लिया, तो b प्लस 1 हो जाएगा, तो f माइनस a 2 कॉमन लिया, b प्लस 1 लिखा है मैंने, आप 1 प्लस b लिख सकते हो, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सेकंड.